गुरु कृपा संस्थान एवं कैनरा बैंक क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चल रहे 15 दिवसीय नारी स्वावलंबन प्रशिक्षण शिविर का समापन एवं प्रमाण पत्र वितरण समारोह मंगलवार को तारामंडल स्थित कैनरा बैंक के सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक पूजा श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक पूजा श्रीवास्तव ने प्रशिक्षण प्राप्त लड़कियों और महिलाओं को पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि मेरी अपेक्षा है कि जो भी लड़कियां यहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, इसके बाद ये इसका व्यावसायिक उपयोग करेंगी। बैंक के अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि शिक्षा प्राप्त कर चुकी महिलाओं को लोन उपलब्ध कराकर उनकी मदद करें। कार्यक्रम में कैनरा बैंक के अधिकारी प्रीति पांडे, ब्रजेश राम त्रिपाठी, बैंक के अन्य अधिकारी, कर्मचारी और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी महिलाएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गुरु कृपा संस्थान के संचालक ब्रजेश राम त्रिपाठी और जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक पूजा श्रीवास्तव ने कहा। महिला दिवस के पूर्व संध्या पे किया। हम हर साल हम ऑर्गेनाइज कराते हैं, इस साल हमें गुरु कृपा संस्थान का सहयोग मिला और हम काफी अच्छे से 15 दिवसीय इस ट्रेनिंग है। कुछ प्रतिभाएं आप में भी हैं। इस उद्देश्य के साथ प्रतिभा के लिए ये कितनी ज्यादा लड़ूंगी जो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही थी पिछले 15 दिवस की, कृपया आप अपने अनुभव, आपके लिए खुला मंच है यहाँ, अपने उम्मीदों को अपने कहा जाता है कि वॉलंटरी तौर पे हमारे पास कुछ नाम आए हैं। कल है, मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ, मैं दाऊदपुर से आती हूँ। हम नारियाँ भी कुछ कर सकते हैं, अगर ऐसे संस्थान का योगदान हो तो हम 15 दिनों में बहुत अच्छा लगा, किसी तरह की कमी हमें महसूस नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा। आपने हमें जागरूक किया, हमारी रुचि को बनाए रखा, हमें संस्था से ये सीख मिली जिसकी जरूरत पूरी ना हो सके उसकी जरूरत को पूरा करे। यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, धन्यवाद। मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ था, आज उसका समापन हुआ है। 44 लोगों ने आज प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिनको प्रमाण पत्र पुरस्कार देकर उनके जीवन में आगे कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। और कैनरा बैंक को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दृष्टि से ये प्रशिक्षण ही नहीं कराया, प्रशिक्षण के उपरांत उनको आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से उन्होंने फाइनेंशियल भी सपोर्ट करने का अपना वादा किया। और भविष्य में जो भी इसमें से लड़कियां या महिलाएं जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है अपने अपने ट्रेड में, अगर कोई नया काम और कोई नया प्रकल्प प्रारंभ करके आत्मनिर्भर बनाते हुए समाज की मुख्यधारा में जुड़ना चाहेंगी तो कैनरा बैंक ने उनको ऑफर किया है। और मैं उसके इस प्रयास के लिए गुरु कृपा संस्थान की तरफ से उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और उनका आभारी भी हूं, उन्होंने ऐसा अवसर संस्थान को और संस्थान की जो महिलाएं और लड़कियां हैं उनको उपलब्ध कराया। और ये आगे चलकर देश और समाज के लिए और अपने व्यक्तिगत जीवन में परिवार को लिए आर्थिक रूप से संबल प्रदान करेंगे और स्वावलंबी बनकर समाज की मुख्यधारा में जुड़ने का कार्य करेंगे। ये गुरु कृपा संस्थान और कैनरा बैंक के तत्वाधान में यहाँ लड़कियों को प्रशिक्षण दिया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिवस से शुरू हुआ था, 15 दिनों का कार्यक्रम था, आज उस प्रशिक्षण का समापन है।
जिसमें उन बच्चियों को प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं और उन्हें आज मेरे हाथों से सम्मानित किया जा रहा है। मेरी अपेक्षा है कि ये लड़कियां जो प्रशिक्षण आज यहां से पा रही हैं, इसके बाद इसका ये व्यवसायिक उपयोग भी करेंगी। बैंक के सर हमारे साथ हैं आज, तो सर से भी मेरा अनुरोध है कि बैंक से बच्चियों को बस लोन की अपेक्षा होती है, तो लोन उपलब्ध करा करके, सरल लोन उपलब्ध करा करके, मुद्रा लोन अब आ गए हैं, मुद्रा लोन में छोटे लोन्स हैं जहाँ से ये लोग अपने काम की शुरुआत कर सकती हैं। तो हमारा जिला उद्योग केंद्र भी इसी सब चीज़ों में लगा है। तो हमारी इच्छा है कि गुरुकृपा संस्थान के ब्रजेश जी और मैनेजर साहब दोनों हमारे यहाँ से जो योजनाएँ चलती हैं उनसे भी इन बच्चियों को लाभान्वित करवाएँ और अपने बैंक से भी लाभान्वित करवाएँ, ताकि ये बच्चियाँ भी आगे बढ़ें, इनका भी भविष्य बहुत उज्ज्वल हो और जो स्वावलंबन के एक उद्देश्य से ये यहाँ एकत्रित हुई हैं वो उद्देश्य पूर्ण हो पाए। थैंक यू।